आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,01,59,743 पहुंच गया, जबकि पिछले 24 घंटे में 23,067 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 336 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,47,379 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 468 नए मामले सामने आए, वहीं उत्तराखंड में कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 88,844 हो गई है। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 160 मामले सामने आए, जबकि नैनीताल में 110, पिथौरागढ़ में 52, हरिद्वार में 26, उत्तरकाशी में 24, उधमसिंह नगर और टिहरी में 23, पौड़ी में 21, रुद्रप्रयाग में 12, चमोली में 10, बागेश्वर में 5 और अल्मोड़ा जिले में 2 संक्रमित मिले। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, इसमें एम्स ऋषिकेश में 3, दून मेडिकल कॉलेज में 1 और जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1,463 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। पुलिस का घेरा तोड़कर दिल्ली गए उत्तराखंड के हजारों किसान, तो कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे किसानों की बॉर्डर पर लगाए गए बैरियरों पर जमकर झड़प हुई। सितारगंज के किसानों ने ट्रैक्टर चढ़ाकर बैरिकेडिंग तोड़ दिए। पुलिस ने वाहनों पर डंडे बरसाए, लेकिन वे पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। इस बीच किसानों को रोकने के दौरान SSI सुधाकर जोशी, झनकैया के थाना अध्यक्ष दिनेश प्रत्याल और उनका गन्ना ताजू के दिन वाहनों की चपेट में आने से घायल हो गए। पट्टों की भूमि वाले किसानों को अब सम्मान निधि दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब पट्टे की भूमि पर खेती किसानी करने वाले भूमिधर किसानों को भी यह सम्मान निधि मिलेगी। टीकाकरण की तैयारी, भापने के लिए 4 राज्यों में 28 से परीक्षण होगा। तो देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की तैयारी को परखने के लिए पंजाब समेत 4 राज्यों में परीक्षण किए जाएंगे। आगामी 28 से 29 दिसंबर के बीच पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात के 2-2 जिलों में परीक्षण होगा। उत्तराखंड में कल परसों बारिश और बर्फबारी, तो क्रिसमस के फौरन बाद अगले दिन राज्य में मौसम के मिजाज में कुछ परिवर्तन आ सकता है। मौसम केंद्र देहरादून के मुताबिक एक बार फिर उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के ऊंचाई वाले हिस्सों में हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है, बाकी स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र के मुताबिक 26 दिसंबर की दोपहर बाद मौसम में बदलाव होने लगेगा, शाम तक बादल घिर सकते हैं। 27 को कुछ इलाकों में तेज हवाएं व आंधी के साथ बारिश हो सकती है। 28 दिसंबर कमोवेश ऐसा ही रहेगा और बारिश में कुछ स्थानों पर तेजी आ सकती है, हालांकि 29 को राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। बिल्डरों पर मेहरबानी की जांच के आदेश, तो उत्तराखंड में बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर और कॉलोनाइजरों को वर्ष 2013 से अब तक दिए गए बिजली कनेक्शनों और इलेक्ट्रिफिकेशन कार्यों की जांच होगी। कोटद्वार रामनगर कंडी मार्ग पर बस सेवा शुरू हुई है। तो कालागढ़ कार्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग की अनुमति के बाद शुक्रवार को कोटद्वार से पोखरो मोरघट्टी कालागढ़ रामनगर वन मार्ग पर GMU बस सेवा शुरू की गई। पौड़ी से खबर है, घर में घुसकर दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म, तो तहसील पौड़ी के एक राजस्व क्षेत्र में मानसिक रूप से दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। राजस्व पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। युवक पर 15,000 की नकदी चुराने का भी आरोप है। राजस्व पुलिस ने कहा कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। तहसील पौड़ी के एक राजस्व क्षेत्र बृहस्पतिवार देर शाम घर में पीछे के दरवाजे से घुसकर एक युवक सूरज कुमार निवासी चिंडालू गाँव ने मानसिक रूप से दिव्यांग किशोरी 13 वर्ष की के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान किशोरी के माता पिता दुकान में थे। दुष्कर्म के बाद आरोपी घर से नकदी भी चुरा ले गया। माता पिता के घर पहुंचने के बाद किशोरी ने उन्हें घटना की जानकारी दी। पहाड़ में चढ़े अपराध, तो 5 वर्ष में उत्तरकाशी में दुष्कर्म के 58 मामले आए। तो अपराध के लिहाज से मैदानों की तुलना में शांत माने जाने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में भी अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बीते 5 सालों में जिले उत्तरकाशी में दुष्कर्म के 58 मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2016 एवं 18 में दुष्कर्म के 6 मामले, जबकि 17 में 13, 19 में 18 और 20 में 15 मामले सामने आए हैं। वहीं महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए बने कड़े कानून और जागरूकता संबंधी प्रयासों के बावजूद यह आंकड़े चिंताजनक हैं। वहीं टिहरी में 3 सालों में 37 केस आए, तो टिहरी में 3 सालों में 37 मामले दुष्कर्म के आए। चमोली में 2 वर्ष में दुष्कर्म के 8 मामले आए, जबकि रुद्रप्रयाग में 3 वर्ष में दुष्कर्म के 11 केस आए।
धू धू कर जली कार, चालक सुरक्षित। तो ऋषिकेश से खबर है जहां पे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीकोट घसिया महादेव के बीच एक कार धू धू कर जलने लग गई। गनीमत रही कि आग लगते ही कार चालक बाहर आ गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से आग में स्वाहा हो गई। जनवरी में पूरी तरह खुल सकते हैं प्रदेश के कॉलेज। तो कोरोना काल में प्रैक्टिकल कक्षाओं के लिए कॉलेज खोलने का तजुर्बा लेने के बाद सरकार अब धीरे धीरे कॉलेज पूरी तरह से खोलने की तैयारी कर रही है। जनवरी मध्य के बाद इस पर निर्णय हो सकता है। कोरोना काल में 8 माह बाद सरकार ने गत 15 दिसंबर से कॉलेजों में ऑफलाइन पठन पाठन शुरू किया है। अभी सिर्फ प्रैक्टिकल की ही संचालित हो रही है, लेकिन अब कॉलेजों में इसके लिए समुचित व्यवस्थाएं बन चुकी हैं। सरकार की चिंता अब इस बात की है कि मौजूदा सत्र आधा निकल चुका है, लेकिन अब तक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी नहीं हो पाई हैं। दूसरी तरफ कॉलेज पूरी तरह खोले बिना एडमिशन भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। खासकर निजी कॉलेजों को इस मामले में दिक्कत का सामना करना पड़ा, इसलिए सरकार धीरे धीरे सामान्य पढ़ाई भी शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए दिसंबर अंत में सरकार से मिलने वाली गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। कोटद्वार में हरिद्वार के कारोबारी के घर बंधक बनाकर डाका डाला। तो नगर में अब सुबह सुबह 5 हथियारबंद बदमाशों ने टाइल कारोबारी के घर धावा बोलकर नकदी और जेवर लूट लिए। डकैत कुल कितना माल ले गए, पुलिस की जांच कर रही है। टाइल कारोबारी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मसूरी और ऋषिकेश में पर्यटकों ने लौटाई रौनक। तो कोरोना संक्रमण की आशंकाओं और प्रशासन की पाबंदियों के बीच राज्य मसूरी, नैनीताल और ऋषिकेश में पर्यटक होटल कारोबारियों के लिए सेंटर बनकर आए। मसूरी में 80% होटल बुक रहे, तो नैनीताल में 24 घंटे में 20,000 और रामनगर में 13,000 पर्यटक पहुंचे। क्रिसमस पर मसूरी के कारोबारियों के चेहरे खिले। तो मसूरी के होटलों में क्रिसमस में 80% तक बुकिंग रही। देहरादून में घरों में ही मनाया गया क्रिसमस का पर्व। तो क्रिसमस का पर्व दून में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देर रात पार्टी में 2 बार संचालकों पर केस दर्ज किया गया। तो गुरुवार देर रात बिना अनुमति पार्टी के आयोजन को लेकर के आबकारी विभाग के साथ ही सिटी पुलिस ने कार्रवाई की। OLX पर बाइक बेचने के झांसे में गंवाए 72,000 रुपये। तो इंजीनियर एनकल्प निवासी युवक को OLX पर बाइक बेचने का विज्ञापन डालना महंगा पड़ गया। साइबर ठग ने उसे संपर्क कर बैंक खाते से 72,000 रुपये उड़ा दिए। अखबार में पार्टनरशिप का झांसा देकर के 19 लाख हड़पे गए। तो 2 लोगों ने एक व्यक्ति से 19,75,000 रुपये ठग लिए। रायपुर थाना अध्यक्ष दिलवर नेगी ने बताया कि धोखाधड़ी को लेकर के अनीस अहमद पुत्र शरीफ अहमद निवासी आजाद नगर अधोई वाला ने तहरीर दी है। वहीं फोन पे कॉल सेंटर से मदद के झांसे में ठगे गए। जंगल में मिले कंकाल का होगा DNA मिलान। तो 16 माह पहले लापता हुए युवक का कंकाल खोपड़ी मिलने से के बाद गुमशुदगी की परिस्थिति की जांच सुधकर दी गई है। कंगाल के DNA का पुलिस उसकी मां के DNA से मिलान कराएगी। वहीं खबर है, भाजपा पार्षद को संतला देवी में पीटा। तो परिवार के साथ संतला देवी गए भाजपा पार्षद के साथ लौटते समय एक दुकान के पास मारपीट की। हमले में पार्षद समेत 7 लोग जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक भाजपा के कंडोली पार्षद चुन्नी लाल शुक्रवार को परिवार के साथ संतरा देवी गए थे। शाम को संतरा देवी के नज़दीक आते वक्त उन्होंने अपनी कार एक दुकान के बाहर पार्क की। इस दौरान पीछे से आ रहे स्थानीय कार चालक से किसी बात पर कार सुनी हो गई। आरोप है कि उसके साथ आए लोगों ने पार्षद और उनके परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। हमले में लाठी डंडे भी चले, जिसमें पार्षद समेत कई महिलाएँ जख्मी हो गई। पर्स लूटने वालों का नहीं लगा सुराग। तो प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ठाकुरपुर रोड पर महिला से पर्स लूट के मामले में पुलिस को शुक्रवार भी कोई सुराग नहीं लग पाया। दून अस्पताल में ऑनलाइन बनाए जन्म प्रमाण पत्र। तो दून अस्पताल में कोरोना काल या कोरोना के बीच जन्मे बच्चों के ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। अस्पताल की मेल ID पर मेल भेजकर 1 सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। ज्वालापुर हरिद्वार से खबर आई है, छात्रा से छेड़छाड़ पर 2 छात्र गिरफ्तार हुए हैं। तो ज्वालापुर पुलिस ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में गुरुकुल कांगड़ी के 2 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि छात्रों ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने दोनों छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
छुट्टियां रद्द होने पर शिक्षकों ने आंदोलन को चेताया। तो सर्दियों के अवकाश रद्द करने के फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया। राजकीय शिक्षक संघ के कुछ पदाधिकारियों ने प्रांतीय नेतृत्व से फैसला वापस न होने पर आंदोलन शुरू करने की अपील भी की है। इधर शिक्षकों की नाराजगी को देखते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल किशोरी डिमरी, महामंत्री डॉक्टर सोहन सिंह मजिला समेत कुछ पदाधिकारी शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए गदरपुर रवाना हो गए। नए साल के जश्न को लेकर कॉर्बेट पार्क के सारे जोन पैक हो गए। तो नए साल को लेकर के कॉर्बेट नेशनल पार्क के दर्जनों गेस्ट हाउस पैक हो गए हैं। खासकर कॉर्बेट पार्क का पसंदीदा जोन ढिकाला में 20 जनवरी तक की बुकिंग फुल हो गई है। तालाब का पानी जमने से 2000 मछलियों की मौत हो गई। तो पर्वतीय क्षेत्रों में रात में गिर रहा पाला मछलियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। पेशावर कांड के नायक गढ़वाली को याद किया गया। तो पेशावर कांड के महानायक वीर चंद सिंह गढ़वाली की जयंती पर वीर चंद सिंह गढ़वाली समिति द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेटी के साथ हुई दरिंदगी को लेकर के रोष। तो हरिद्वार में बेटी के साथ हुई दरिंदगी के मामले में आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करने पर कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्णप्रयाग से खबर है जहाँ पे किपीरी पट्टी में गुलदार की दहशत। तो विकासखंड की किपीरी पट्टी के कई गांव में गुलदार की दहशत बनी हुई है। पुलिसकर्मी से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो कोटद्वार से खबर है जहाँ पे कोटद्वार कोतवाली में तैनात यातायात पुलिस कांस्टेबल संदीप चौधरी के साथ एक कबाड़ व्यवसायी के पुत्र द्वारा की गई मारपीट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अटल की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। तो पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली को भी याद किया गया। थराली और श्रीनगर के जंगलों में लगी आग। तो मध्य पिंडर रेंज थराली से लगे तलवाड़ी बधाड़गढ़ी के जंगल में आग से धू धू कर जल रहे हैं। सेना भर्ती 1600 मीटर दौड़ में फूला युवाओं का दम। तो ब्रिगेडियर क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में आयोजित सेना भर्ती में छठवें दिन चमोली जनपद के युवाओं की भर्ती हुई। इसमें पहली सीढ़ी 1600 मीटर दौड़ में ही युवाओं का दम फूल गया। 2999 में से मात्र 499 युवा ही दौड़ पाए। अल्मोड़ा में कड़ाके की ठंड से सूखे की हालात। तो बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं। दिसंबर में महज 1.4 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गई। गोल्फ मैदान खुलवाने को जुटे संगठन। तो संयुक्त सभा के मैदान को जल्द आम लोगों के लिए नहीं खोलने पर बृहद आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बागेश्वर में रोके नहीं रुक रही जंगलों की आग। तो जिले में जंगलों का आग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हालत यह है कि ऑफ सीजन की आग ने ही जिले में 1.5 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया है। कपकोट पुलिस ने 1.5 लाख की चरस पकड़ी है। तो कपकोट थाना पुलिस ने 1.5 लाख की चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। गडेरा तिराहे के पास गश्त पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी से 1.5 किलो चरस बरामद की है। वही खबर है, जन्मदिन के लिए खरीदारी करने आए शिक्षक की मौत हो गई। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे दोस्तों के साथ अपने जन्मदिन की खरीदारी करने आए शिक्षक की बीच बाजार में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मृतक जवाहर नवोदय विद्यालय मरसोली में शिक्षक थे। उनकी मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है। पलेटा के पास खाई में गिरी बाइक, घायल चालक घायल हो गया। तो पलेटा के पास एक बाइक गहरी खाई में गिर गई। घटना में चालक को गंभीर चोटें आई हुई हैं। कर्मचारी के संक्रमित मिलने पर बंद नहीं होगा कार्यालय। तो डीएम ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए बनाए गए विभागों के समूहों के कार्यों की समीक्षा की है। बैरीनाग में सेना भर्ती की तैयारी कर रहा युवक संक्रमित निकला है। तो सेना भर्ती की तैयारी कर रहा बैरीनाग निवासी एक युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। शुक्रवार को युवक की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके साथ ही उसे नजदीकी अस्पताल ले गए जहां कोरोना जांच में युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। इससे युवक के साथियों में भी हड़कंप मच गया। गंगोली हाट में लॉकडाउन का व्यापक असर सुना रहा बाजार। गंगोली हाट में चौथे दिन लॉकडाउन का व्यापक असर रहा। बाजार में सन्नाटा पसर रहा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दवा, दूध व अन्य जरूरी व्यापारी प्रतिष्ठान भी तय समय से पहले ही बंद हो गए। दो को मारने वाला गुलदार पकड़ से बाहर। तो ऋण और मोड़ी क्षेत्र में दो महिलाओं को मौत के घाट उतारने वाला गुलदार को वन विभाग 7 दिन के बाद भी नहीं पकड़ सका है।
काठगोदाम में युवक की हत्या की हत्या में पत्नी समेत 5 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो हल्द्वानी भीमताल मार्ग पर स्थित सलड़ी में होटल चलाने वाले एक युवक की गुरुवार देर शाम काठगोदाम में सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना हत्याकांड में मृतक की पत्नी समेत 5 ससुरालियों पर पुलिस ने षड्यंत्र के तहत हत्या करने का मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा मृतक अमित की छोटी बहन की तहरीर पर दर्ज किया गया। कर्मचारी आंदोलन के नाम रहा यह साल सीएम के दखल से शुरू हुआ संवाद। तो प्रदेश में करीब 12 दिन चली थी प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के हड़ताल, सीधी भर्ती रोस्टर को लेकर के खूब रहा तनातनी का माहौल। समूह ग के 854 पदों पर आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने समूह ग के 854 पदों पर भर्ती के आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। आयोग ने यह फैसला कोविड-19 के बीच ऊपरी आयु सीमा में छूट देने के चलते लिया है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि 6 नवंबर को जारी हुए विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर तय की गई थी। अब आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर के 8 जनवरी कर दी गई है। आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी गई है। आयोग के इस फैसले से हजारों युवाओं को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि आयोग की ओर से स्नातक युवाओं के लिए समूह ग के 854 पदों पर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया चलाई जा रही है। बिना इंडिकेटर वाहन मोड़ा या बेवजह रिवर्स गियर लगाया तो होगी कार्रवाई। तो ट्रैक्टर पर केवल चालक ही बैठ सकता है, इसके अलावा कोई भी बैठा तो चालान होगा। तो प्रदेश में मोटर चालन अधिनियम 2017 के 42 नियमों पर सख्ती शुरू कर दी गई है। तो बिना प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र के साथ वाहन चलाने पर, इसके साथ ही बिना फिटनेस के वाहन का संचालन करने पर, बिना टैक्स के वाहन का संचालन, बिना लाइसेंस वाहन का संचालन, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग, बिना रजिस्टर्ड प्लेट के वाहन, वाहन में रजिस्ट्रीकरण की निर्धारित सीमा से ऊंचाई या भार वाली वस्तु को ढोने पर, वाहन में खतरनाक पदार्थों की ढुलाई करने पर, मालवाहक वाहन के किराए पर यात्री ढोने पर, तो इन सभी पर अगर कोई नियमों के विरुद्ध करता है तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। साहसिक पर्यटक के लिए विकसित होगी सूर्यधार और इठराना झील। तो सूर्यधार और इठराना को साहसिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। नैनीताल में नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू। तो 31 दिसंबर को जश्न मनाने के लिए बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। फ्लैट मैदान पार्किंग, नारायण नगर पाइंस और रूसी बाईपास की पार्किंग में ही पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उत्तराखंड के 8,27,000 किसानों के खाते में आए 165 करोड़ रुपए। तो पीएम ने देश के 9 करोड़ किसानों किसान परिवारों के खाते में 18,000 करोड़ ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं। तो उत्तराखंड के 8,27,000 किसान परिवारों के खातों में शुक्रवार को डीबीटी के माध्यम से सीधे 165 करोड़ रुपए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9 करोड़ किसान परिवारों को 18,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि ऑनलाइन ट्रांसफ़र की सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री निशंक ने पीड़ित परिवार को दी सांत्वना, पुलिस को दी चेतावनी। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शुक्रवार रात दरिंदगी की शिकार पीड़िता के घर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने परिवारजनों से बातचीत का सांत्वना दी और कहा कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी कराने पर 2 रेस्टोरेंट मालिक पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन ने आयोजन पर लगाई हुई है रोक। रेस कोर्स स्थित एक अपार्टमेंट में सेल्फी लेकर क्रिसमस सेलिब्रेट करती युवतियां। 30 जनवरी तक होगा लिंक एक्सप्रेस का संचालन। तो देहरादून से अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज और लखनऊ गोरखपुर जाने वाले यात्रियों के लिए खबर राहत देने वाली है। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर देहरादून प्रयागराज लिंक एक्सप्रेस के संचालन को 30 जनवरी तक बढ़ा दिया है। वहीं देहरादून गोरखपुर राप्ती गंगा एक्सप्रेस के संचालन को 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि हरिद्वार और एकड़ रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण के चलते ट्रेनों का संचालन 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेगा। इसके बाद ट्रेनों का संचालन यथावत शुरू कर दिया जाएगा। स्टेशन अधीक्षक सीताराम शंकर ने बताया कि लिंक एक्सप्रेस मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को प्रयागराज जाएगी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो
मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर करें आवेदन, तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है, टोटल पद 30 हैं, तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 जनवरी रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 18 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 जनवरी रखी गई है। ऑफिसर के पदों पर आवेदन का मौका, तो भारतीय वायुसेना में 241 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 जनवरी रखी गई है। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार, तो 16 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे, तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। 29 दिसंबर को साक्षात्कार होगा। जन्मा मसीहा प्रार्थना के लिए खुले चर्च, तो कोरोना के चलते सादगी से मनाया गया क्रिसमस, चर्चों में बाहरी लोगों को प्रवेश नहीं मिला। सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई अटल जी की जयंती, तो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रम हुए। बदमाशों ने गर्म पानी भी पिलाया, तो कोरबा से खबर है, जहां पर बदमाशों ने डकैती के दौरान महिलाओं से मारपीट या गाली गलौच नहीं की, बल्कि वारदात से सहमे वृद्धा समेत तीनों को गर्म पानी भी पिलाया। एसएसपी प्रदीप राय को यह बात खुद पीड़ित महिलाओं ने बताई। डकैती के दौरान बदमाश पूजा घर में रखे पैसे और उनकी बेटी मानसी की गुल्लक के 7000 रुपये भी ले उड़े। उद्यमी प्रमोद प्रजापति की पत्नी मुनेश देवी ने बताया कि बदमाश पूजा घर के चढ़ावे की नकदी भी ले गए। पौड़ी जिले के 4 रूटों पर जल्द शुरू होगी नाइट सफारी, तो वन पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शहर में बनाया जाएगा हंटर हाउस। बड़कोट से खबर है, जहाँ पे मोल्टा में गुलदार की दहशत से ग्रामीण परेशान है। अपर यमुना वन प्रभाग की मोल्टा बीट में बीते एक हफ्ते से गुलदार की दहशत बढ़ गई है। फरासू में हाईवे पर लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम, तो शुक्रवार को बार बार फंसते रहे वाहन। केदार घाटी में साकार हो रहा जय जवान जय किसान का नारा, तो देवर गाँव में 60 से अधिक लोग सेना में है, इतने ही हो चुके हैं सेवानिवृत्त। हरिद्वार से हरिद्वार की खबरों की बात करें, निर्धारित समय तक सरकार नहीं मानी तो अखाड़े खुद करेंगे कुंभ की व्यवस्था, तो धर्मनगरी में 2010 की तर्ज पर भव्य और दिव्य कुंभ की आयोजन किया जाएगा। कनखल स्थित श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन में कुंभ मेले को लेकर के संपन्न हुई अखाड़ा परिषद की बैठक में संतों से यह निर्णय लिया है। कैंडल मार्च निकालकर मासूम के लिए मांगा इंसाफ, तो ऋषिकुल क्षेत्र की बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या से धर्मनगरी के हर वर्ग में उबाल है। सिलेंडर में पकड़ी गैस की चोरी, तो ज्वालापुर के नाथनगर पार्षद ने एक गैस डिलीवरी मैन को रंगे हाथों घरेलू गैस सिलेंडर में चोरी करते पकड़ लिया। मौके पर वजन का माप करने पर सभी सिलेंडरों में 2 से 3 किलोग्राम गैस कम पाई गई। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो क्रिसमस पर बाहर नैनीताल गुलजार, तो क्रिसमस मनाने हजारों सैलानी नैनीताल पहुंचे हैं। सैलानियों की आवाजाही पर रोक नहीं, तो डीएम बंसल ने बताया कि नैनीताल में सैलानियों की आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो कोरोना के टीकाकरण से पहले ऐप पर होगा पंजीकरण, तो सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों, दूसरे चरण में कोरोना के फ्रंटलाइन योद्धाओं को लगेगा कोरोना वैक्सीन, तीसरे चरण में बुजुर्ग और बीमारियों से ग्रस्त लोगों का नंबर आएगा। एक मत न होने से लॉकडाउन को लेकर के असमंजस, तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे कोरोना के बढ़ते मामले को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित लॉकडाउन को लेकर के व्यापारियों में एक मत नहीं होने से असमंजस की स्थिति है। हुड़ेती गांव में मिला मादा तेंदुए का शव, तो बीमारी से मौत की आशंका, तेंदुए के पेट से निकला 7 से 8 लीटर पानी। सैन्य बहुल पिथौरागढ़ जिले में 9 साल में केवल एक भर्ती रैली, तो सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल सतपाल गुलेरिया ने उठाए सवाल। खाई में गिरी बाइक, चाचा भतीजा घायल, तो पिथौरागढ़ से खबर आई, जहां पर पिथौरागढ़ के डीडीहाट की ओर जा रही एक बाइक पलेटा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में चाचा और भतीजा घायल हो गए। इसी के साथ
कोटद्वार में सहयोगी गार्ड के पदों पर भर्ती निकली हुई है, तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 फरवरी तक रखी गई है। तो इसमें टोटल पदों की संख्या 35 है और इसके लिए 10वीं पास होना जरूरी है। एज जो है इसमें 18 से 42 साल तक है। अगर 10वीं पास है और एज 18 से 42 साल तक है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से ये फॉर्म है। दिल्ली कोच NH-74 मलसी गांव के किसानों ने लांघी सीमा। पुलिस प्रशासन को चकमा देकर के संपर्क मार्गों से यूपी पहुंचे किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता। काशीपुर में अवरोधों को तोड़कर के आगे बढ़े किसान। वही खबर एक इच्छा से हेलमेट को रखने में हुई दिक्कत, तो बना दिया फोल्डिंग हेलमेट। तो सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 10वीं कक्षा के एक छात्र कौशल को नई दिल्ली के एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार स्वरूप उन्हें 10,000 रुपये की धनराशि दी गई। कौशल ने फोल्डिंग हेलमेट बनाया है जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। रुद्रपुर से खबर आई है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट पाए गए पॉजिटिव, कोरोना जाँच बंद कर दी गई है।